नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत की अंतर्राज्यीय खबर में आपका स्वागत है। ये विशाल नारायण शर्मा के साथ डॉक्टर कुमार नरसिंह, हम कैंसर रोग विशेषज्ञ से जानकारी करते हैं। अलीगढ़ में हर पहले और तीसरे मंगलवार अपनी पेट की सर्जरी के लिए, कैंसर रिलेटेड सर्जरी के लिए ओपीडी शुरू की है। इससे जो भी लोगों को पेट के कैंसर की प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो हमसे मिल सकते हैं और हम उनको आगे क्या करना है उसके लिए हम गाइड कर सकते हैं। ये हमारी हर महीने पहले और तीसरे दिन ओपीडी कुमार हॉस्पिटल में रहेगी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ गरीब मरीज भी हैं तो उनके लिए भी क्या आपके यहाँ रहेगा? उसके लिए हमारे यहाँ कुमार नर्सिंग होम में मिस्टर विनय जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी मैक्स जितनी हेल्प हो सके उसकी मैक्सिमम उनकी हेल्प करना करेंगे। सर, जैसा कि कुमार साहब ने अभी बताया कि पत्रकारों के लिए भी कुछ वो कंसेशन करेंगे, कुछ ना उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हम उनकी भी बिल्कुल हेल्प करेंगे। उनके लिए हम हर टाइम बैठे हैं मिलने के लिए। तो सर, सबसे पहले क्या मैसेज करना चाहेंगे पब्लिकली? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे पेट में दर्द है जो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा, लगातार आपको उल्टी आ रही है, जहाँ आपका वजन गिर रहा है, खाना खाने के बाद भी आपका वजन कम हो रहा है, जहाँ आपको भूख नहीं लग रही, आपको कॉन्स्टिपेशन, जहाँ आपको बहुत डायरिया लगा, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इनको अनदेखा ना करें, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलें। जितनी जल्दी ये कैंसर की बीमारी पकड़ में आती है उतनी ही जल्दी इसका इलाज होता है, और जितनी जल्दी जल्दी इसका हम इलाज शुरू करवाते हैं इसका क्योर होने के चांसेस भी उतने बढ़ते हैं। सर, एक बात है कि हर तीसरा चौथा पेशेंट पेट का रोगी है, इसकी वजह क्या बन रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं बोलूँगा कि हमारा खान पीन है। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, खाने में हम ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ऊपर से फिर हमारा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैंने देखा ज़्यादातर लोगों में एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत कम रहता है, इन वजह से भी हमारे पेट में पेट की प्रॉब्लम बढ़ती हैं। सर, एक बात और कि जो हमारी नई जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा भाग रही है, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये यंग फूड होते हैं जिसका बॉडी को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ना इनमें कुछ मिनरल, ना अमीनो एसिड, ना प्रोटीन्स होते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाई प्रोटीन डाइट और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसमें हमें साथ में फ्रूट वगैरह भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। क्या अंकुरित अनाज भी हम लोग, अंकुरित चीज़ें भी ले सकते हैं? अंकुरित चीज़ें बिल्कुल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी होती हैं, क्योंकि जो अंकुरित होती हैं तो उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनकी चीज़ें हमें अपनी फाइबर डाइट में ऐड करनी चाहिए। फाइबर भी कुछ